हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लिकर रेल फैन। और एक नया व्लॉग में अभी तक मैं ट्रेन का व्लॉग बनाया, फ्लाइट का व्लॉग बनाया, खाने का व्लॉग बनाया, होटल का व्लॉग बनाया, सबका बनाया ना। आज पहले बार मैं बना रहा हूँ बस का व्लॉग। प्रेजेंट अभी है मैं विशाखापट्टनम में। आप विशाखापट्टनम से मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, किसमें मालूम? SRT ट्रैवल्स। SRT का मतलब श्री रतन टाटा ट्रैवल्स। बस ट्रेन टिकट नहीं मिला यार, लास्ट मिनट में जर्नी प्लान किया ना, आज इसलिए बस में जा रहा हूँ। कह ठीक है, कैसे तो भी बस में जा रहा हूँ ना, बस का ब्लॉग भी बना रहा हूँ। देखा आज अब प्रेजेंट मैं गाजीवाका में है, विशाखापट्टनम में NH16 में। देखो अब पहले ये NH5 था, अभी NH16 बन गया। एक चेन्नई कलकत्ता नेशनल हाईवे है। देखो अभी मेरे बस नहीं आया, मेरे बस आने के बाद मेरा बस पूरा इंटीरियर पूरा मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ ये अपन बस से देखो SRT बोले तो श्री रतन टाटा ट्रैवल्स। अभी हमारा पिकअप पॉइंट आ गया, हमारे पिकअप पॉइंट था गाजीवाका में। मैं बस अभी विशाखापट्टनम से निकल चुकी है। देखो देखिए हमारा बस का इंटीरियर है। ये देखो ये सिंगल सीटिंग का है, ये डबल सीटिंग का है, इधर दो लोग सो सकते हैं। अभी देखो ये बस का पूरा मैं दिखा दूँगा। बस बुक करने का मेन रीज़न क्या मालूम? ये बस के अंदर वॉशरूम है, मैं वॉशरूम भी दिखाऊंगा। अभी विशाखापट्टनम से बेंगलुरु ट्रैवल कर रहा ना, कम से कम 18 आवर्स ट्रैवल कर रहा है यार। वॉशरूम नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा अपन को। पहले बार बस के अंदर वॉशरूम में आया। देखो ये बस का वॉशरूम है। देखो पहले ये पहले बार देख रहा हूँ मैं वॉशरूम, ऑनबोर्ड वॉशरूम। थोड़ा ट्रेन बहुत कंजेस्टेड है, अंदर कंजेस्टेड तो बहुत ज़्यादा है। बस के ड्राइवर के अच्छा अंदर आ गया। देखो इधर देखो CC कैमरा भी है, इमरजेंसी अलार्म दिया था। और इधर देखो टाइमिंग भी दिखा रहा, टाइमिंग डेट मंथ पूरा दिखा रहा। और इधर सीट के अंदर मैं आ गया, सीट के अंदर देखो ये सीट, ये देखो सीट के अंदर ना एक इंडिविजुअल TV दिया था, एक पाउच होल्डर दिया था, उसके बाद एक ब्लैंकेट और एक पिल्लो। और पिल्लो तो बहुत बढ़िया है यार, ब्लैंकेट भी अच्छा है। और उसके बाद एक AC का AC। और ये देखो मोबाइल चार्जर पिन भी दिया, देखो सॉकेट, ये ऑन ऑफ बटन है इसका। इधर एक लाइट भी दिया, लाइट। इधर मोबाइल का होल्डर भी दिया, देखो मोबाइल का होल्डर भी दिया। इतना फैसिलिटी दिया था बस के। बस तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार देखने में तो। ये बस में पूरा 40 सीट है। जब बन चुका है वैदक स्टील प्लांट, ये स्टील प्लांट है। देखो अभी आप स्टील प्लांट कोरमानापालम, अभी अपन पहुंच चुके हैं कोरमानापालम स्टील प्लांट। विशाखा उक्को आयरन ओर माइंस केटाइंचाली। देखो पूरा बस निकल गया ना, बस निकलने के बाद हमारा स्नैक्स भी दे दिया। देखो स्नैक्स में SRT ट्रैवल्स, SRT का मतलब श्री रतन टाटा ट्रैवल्स। स्माइल, अरे यार बस माइल्स विद स्माइल्स, वेलकम ऑन बोर्ड माइल्स विद स्माइल्स। एंजॉय द लिटिल थिंग्स। क्या क्या दिया लिटिल थिंग्स इसमें? देखिए दिया था देखो हल्के फुल्के एक टिश्यू पेपर, और ये क्या है, एक छोटा सा बिस्किट पैकेट, कौन सा यूनिबिक बिस्किट। और ये देखिए केक दिया, लेयर विंग्स केक। अरे ये को स्मूथी दिया, पेपर बोट जूस दिया था, सर स्मूथी नहीं है जूस है वो, एक चिक्की दिया था देखो। और ये देखो ये क्या है, कैनोपस रिफ्रेशिंग वाइप्स। वाव, हमारे 1 लीटर का वाटर बॉटल भी दिया। देखो पहले मैं देखे स्नैक्स वाटर बॉटल्स में किधर देखा मालूम? राजधानी दुरंतो तेजस वंदे पर शताब्दी ट्रेन्स में देखा था, मैं पहले बार बस में देख रहा हूँ ऐसा। देखो एक 1 लीटर का वाटर बॉटल दिया। देखो श्री रतन टाटा एक्सप्रेस। अभी वाटर बॉटल रखने के लिए होटल भी दिया अपन, अभी पानी से कुछ काम नहीं है ना, इधर वाटर बॉटल होते रख देंगे, वाटर बॉटल होटल में रख देंगे बस। हमें अभी हमारा बस मस्त चल रहा है। देखो अभी हमारा बस निकल चुकी है, अभी अपन है NH16 में। NH16 है ना चेन्नई कलकत्ता नेशनल हाईवे है। देखो पर नज़ारा तो बहुत अच्छा है यार, मैं पहले बार बस व्लॉग बना रहा हूँ देखो ना, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ व्लॉग बनाने के लिए। आगे देख रहा ना वो हिल, देख कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी अपन विशाखापट्टनम क्रॉस कर दिया,
देखो आउटर में, देखो विशाखापट्टनम के आउटर में। अभी अपन जा रहे टूवर्ड्स राजमंड्री, विशाखापट्टनम से राजमंड्री कम से कम 3 घंटे लगेगा। इधर देखिए एक मंदिर है ना, मंदिर भी बहुत अच्छा देखो। मगर बस के अंदर से अपर डेक का भी बहुत कमाल का है यार। अभी देखो अपन ये पर्वत भी क्रॉस कर रहा, देखो विशाखापट्टनम क्रॉस हो गया, आउटर में आ गया। देखो विशाखापट्टनम का आउटर में आ गया, इधर टी ब्रेक दिया, देखो इधर टी टाइम में टाप दिया बस को। देखो हमारा बस पीछे ही है, ये बस है ना वॉल्वो B11R मल्टी एक्सल का बस है। देखो मल्टी एक्सल है ना, चार व्हील है ना आगे दो व्हील, ये मल्टी एक्सल है। ये बस में क्या क्या फैसिलिटीज है इसमें बाहर ही दिखाया, देखो देखो ये क्या पैक इधर, देखो एयर कंडीशन, GPS लोकेशन एंड चार्जिंग पॉइंट, रेस्ट रूम और ब्लैंकेट और CCTV और हमारा ट्रैवल्स। देखो श्री रतन तारा ट्रैवल्स। अभी अपन ब्रिज रेस्ट स्टॉप क्रॉस कर दिया ना, अभी देखो यार हिल देव कितना अच्छा है, मैं तो जूम करके दिखाऊँ देंगे यार खूबसूरत बहुत नज़ारा, तो बहुत अच्छा है यार। मैं कल ट्रेन में गया था ना, सेम ऐसी नज़ारा था यार, ट्रेन से बस का भी अच्छा नज़ारा निकल रहा। देखो हम ऊपर बैठा ना उसलिए देखो और अच्छा नज़ारा आ रहा। देखो हाईवे क्रॉस करने का मज़ा ही अलग है भाई। भाई शाम में 6 बजे हो गया, बाहर का नज़ारा पूरा अंधेरा हो गया यार। अभी बाहर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी ड्राइवर का कैब भी दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, मगर ड्राइवर मना कर रहा है वो कैब भी दिखाने के लिए, कि बोलता अभी क्या है वो नहीं दिखा सकते ना, वो बोल रहा ओनर का परमिशन लेने के लिए बोल रहा। फिर ओनर का परमिशन पूछे तो वो नहीं दे रहा। देखो मैं ये बस बुक कर लिया वाशरूम है बोल के, अभी मैं वाशरूम जाके देखा था ना, वाशरूम बहुत गंदा है यार, फ्लश काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं काम कर रहा। देखो ये दक्ष नगर कितना अच्छा है, पूरा लाइट ऑन किया, देखो कितना अच्छा है। देखो अभी कैबिन के राइड के व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको। अभी आगे आपको सामने एक टेम्पल दिख रहा ना, वो अन्नवरम सत्यनारायण स्वामी टेम्पल है। वो टेम्पल है ना बहुत फेमस टेम्पल है, अपन टेम्पल है ना अभी अन्नवरम के बीच में क्रॉस कर रहे हैं। अन्नवरम है ना भाई, विशाखापट्टनम और राजमंड्री के बीच में एक है अन्नवरम सत्यनारायण स्वामी टेम्पल है। कभी भी आप वैजाग राजमंड्री आए तो ये टेम्पल विजिट करो, बहुत अच्छा टेम्पल है भाई। आपको ट्रेन में गए तो भी स्टॉप मिलेगा आपको। तो पूरा रात ही हो गया, देखो तो पूरा अंधेरा हो गया, बीच बीच में अपन छोटे छोटे गाँव स्किप कर रहे हैं। प्रेजेंट अपन गाड़ी का स्पीड देखो इधर, इसमें 69 70, अभी तक ये तो मैं 85 से ज़्यादा स्पीड नहीं जा रही गाड़ी, लगता है अभी हाईवे में ही है। मैं सुना था इंडियन गवर्नमेंट में प्राइवेट बसेस को इतना सा स्पीड लिमिट दिया बोल के, मगर कितना तक लिमिट दिया वो मेरे को नहीं मालूम। मगर देखो अभी ट्रेन, अभी तक मैं बहुत ट्रेन में ट्रैवल किया था ना ट्रेन ब्लॉग में, उसमें ICF का लिमिट था 110, LHB का लिमिट था 130, ठीक है। ये बसेस का लिमिट कुछ मेरे को नहीं मालूम यार, अभी तक 85, अभी तक तो 85 तक ही पहुँचा, मैक्सिमम लिमिट 85 ही दिखा रहा बस का लिमिट, तो जानबूझ के जा रहा है, नहीं तो गवर्नमेंट परमिशन दे समझ में नहीं आ रहा। लगता है वोल्वो बस से ट्रेन बहुत बढ़िया है यार। ऑरेंज ट्रैवल्स अपन बस SRT फ्रेश बस, तिरुपति बैग पे फ्रेश बस, नंदिनी फूड प्लाजा, बंगार पालन, ये अपन बस पूरा करा। प्रेजेंट अपन बस है ना बंगार पालन से निकल चुकी है, अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया। सॉरी मैं एक गलत बताया था, हमारा बंगार पालन से बैंगलोर का डिस्टेंस है 158 किलोमीटर्स, मैं 58 किलोमीटर बोल के रॉन्ग बताया, सॉरी ब्रो। अभी इधर से अभी 3 घंटे लगेगा बैंगलोर पहुँचने में। ये बस में स्लीपर बस में अच्छा बात क्या है, नींद बढ़िया आ रहा थोड़ा, अच्छा सब अच्छा है, थोड़ा हाइजीन है, मगर बुरा बात क्या मालूम, थोड़ा कंजेस्टेड है यार, थोड़ा हाइट लोगों को बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। फिर और एक प्रॉब्लम क्या मालूम, वो बम्पिंग आ रहा है यार, जब स्पीड ब्रेकर ये सब आएगा ना बहुत मुश्किल हो रहा है यार। अभी टाइम हो रहा 9:30, अपन पहुंच चुका है होसकोटे टोल गेट। अभी अपन
बस है ना ऑलमोस्ट बैंगलोर एंटर कर चुकी है, अपना है प्रेजेंट वस्कोटा में। ओरियन अपटाउन बोल के बिल्डिंग है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वाह बड़ा अपार्टमेंट भी चालू हो गया, देख ब्रिगेड सिग्नेचर टावर्स। ओह माय गॉड बहुत बड़ा टावर्स है यार, ब्रिगेड सिग्नेचर टावर्स। बैंगलोर सिटी में तो बहुत अच्छा है यार। पहुंच चुका है केयरपुरम, केयरपुरम का मतलब है कृष्णराजपुरम। अपन अपोजिट साइड में रिलेशन है, मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा रिलेशन। मंदिर देखो सुबह मंदिर, अब इधर से ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा अपन का। अभी अपन क्रॉस कर रहे हैं मारता हल्ली, देखो मारता हल्ली भी बहुत अच्छा सिटी है भाई बैंगलोर में। अभी अपन क्रॉस कर रहे सज्जापुरा फ्लाईओवर, देखो ये है ना सज्जापुरा फ्लाईओवर से अपन निकल रहे हैं। अभी ये एरिया क्या सज्जापुरा है। अभी अपन क्रॉस कर रहे बोमन हाली, अभी अपन जा रहे टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक सिटी, हमारे ड्रॉपिंग पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अभी अपन पहुंच चुका है अपना लास्ट स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। बस क्या मालूम ऊपर फ्लाई ओवर से लेके आ गया ना, हम बिल्कुल एंडिंग आ गया, टूवर्स हत्तीपल्ली आ गया। अभी हम ऑटो जाएगा, ऑटो पकड़ लिया, अभी हम जा रहे घर। इधर तक मेरा बस का कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को तो उतना कास्ट नहीं लगा यार, ठीक है। स्नैक्स अच्छा लगा, वाटर पर अच्छा लगा, पेटिंग सब अच्छा लगा, मगर जितनी अच्छा है मगर स्टाफ बिहेवियर अच्छा नहीं है यार, स्टाफ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है यार, बिहेवियर बिल्कुल अच्छा सही नहीं है। बाय फ्रेंड्स।